अस्पताल में रहस्यमय हालात में मिला महिला डॉक्टर का शव। नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में मौजूद महाराजा अग्रसेन अस्पताल के कमरे में एक 28 वर्षीय महिला डॉक्टर का शव रविवार सुबह बरामद किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी सुबह 5:50 बजे अस्पताल पहुंचे और इमारत की पहली मंजिल के न्यूरोलॉजी आईसीयू के केबिन से डॉक्टर का शव बरामद किया। डेप्यूटी कमिश्नर पश्चिम मोनिका भारद्वाज ने बताया कि अस्था मुंजाल के शव के पास एक सिरिंज भी बरामद किया गया। कमरा अंदर से बंद था और सुबह गार्ड को जबरन खोलना पड़ा। शुरुआती जांच के मुताबिक उनके बाएं बाह में सिरिंज लगी थी। उनके शव के पास से बैग और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। आस्था की शादी शाहदरा स्थित जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर उदय ढिंडरा से हुई थी। बजे तक काम कर रही थी। इसके बाद वह 12:18 बजे डॉक्टर के केबिन में पहुंची। किसी ने सुबह 4:30 बजे केबिन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर 5:15 में उसे गार्ड ने तोड़कर केबिन खोला। आस्था के माता पिता और एसडीएम को घटना की जानकारी दे दी गई है। मामले की